नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीएसएफ प्रोटीन और यूरिनरी प्रोटीन के एस्टिमेशन के बारे में। इन दोनों ही सीएसएफ में और यूरिन में बहुत ही कम मात्रा में जब माइक्रो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं उनके एस्टिमेशन के लिए अलग टाइप का जो मेथड है उसको यूज किया जाता है, उसको टर्बिडीमेट्री बोलते हैं। और इसमें स्पेशल टाइप का रिएजेंट भी यूज़ किया जाता है। तो चूँकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलीग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको डिटेक्शन के लिए ये एक सेपरेट मेथड है। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्र का, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, आज इसके बारे में जानेंगे, सीएसएफ और यूरिनरी प्रोटीन के एस्टिमेशन के बारे में। तो जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सीरम प्रोटीन्स के जो फ्रैक्शन होते हैं, तो सीरम प्रोटीन में दो दो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं सीरम प्रोटीन्स के। एक तो अल्बुमिन कहलाता है और दूसरा ग्लोबुलिन्स होते हैं। तो अल्बुमिन का जो फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है ब्लड में, तो ये करीब 3.5 ग्राम से लेके 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन जो है अल्बुमिन जो है वो ब्लड में पाया जाता है। और उसके अलावा जो 2 से लेके 3 ग्राम के आसपास जो ग्लोबुलिन का जो फ्रैक्शन है वो पाया जाता है। इसमें α1, α2, β एंड गामा ग्लोबिन्स रहते हैं। तो इस तरह से जो सीरम प्रोटीन का ये एक फ्रैक्शंस है जो ब्लड में पाए जाते हैं। अगर हम सीएसएफ और यूरिनरी प्रोटीन के बारे में बात करें, तो जो सीएसएफ प्रोटीन एक्चुअली जो सीरम प्रोटीन है उन्हीं से ड्राइव्ड होते हैं, उन्हीं से बनते हैं। और एक्चुअली इनका जो प्रोसेस होता है जो सीएसएफ प्रोटीन का, वो पाइनोसाइटोसिस के द्वारा जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, उसके थ्रू पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये सीरम प्रोटीन जो है वो सीएसएफ में पहुंचते हैं। और इस तरह से उनको सीएसएफ प्रोटीन कहा जाता है। वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं, 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये सीएसएफ प्रोटीन इस तरह से सीएसएफ में पहुँचते हैं। दूसरी ओर हम अगर टोटल यूरिनरी प्रोटीन की बात करें, तो ये यूरिन में एक्चुअली लेस देन 150 मिलीग्राम 24 आवर में रहते हैं नॉर्मली। और मोस्टली इनमें जो एल्बुमिन का जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन होता है। और टैम हॉर्स फॉल जो प्रोटीन होते हैं, जो बेसिकली असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स है किडनी में, या जो नेफ्रॉन्स की असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स होती है उसके उसके द्वारा ये प्रोटीन सिक्रेट होते हैं। तो ये भी, लेकिन इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो लेस देन 150 मिलीग्राम पर 24 आवर रहता है। और ये इनको माइक्रो प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि इनको बेसिकली जो अपने रूटीन टेस्ट होता है हीट एंड कोएगुलेशन मेथड का, उससे हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में रहता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेशल टेस्ट यूज़ करते हैं टर्बिडोमेट्री के द्वारा, सल्फोसिलिक एसिड के द्वारा उनको मेजर किया जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे आगे। तो अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें, तो जो सीएसएफ प्रोटीन बेसिकली हैं उनकी जो इंडिकेशन है, एक्चुअली जो मेनिनजाइटिस केस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हो, वायरल मेनिनजाइटिस हो, या ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस हो, उसमें इसका एस्टिमेशन करवाया जाता है। इसके अलावा ट्यूमर्स या पॉलीन्यूराइटिस की जो कंडीशंस होती हैं उनमें भी सीएसएफ प्रोटीन का एस्टिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो यूरिनरी प्रोटीन का एस्टिमेशन है, तो इसमें प्री रीनल कॉज हो सकती है, रीनल कॉज हो सकती है, पोस्ट रीनल कॉज हो सकती है। तो जो प्री रीनल कॉज है उसमें सीवियर डायरिया, डायबिटीज़ कोमा, डायबिटिक कोमा, हार्ट फेलियर या हार्ट डिसीजेज, इंटेस्टाइनल डिसीजेज। और जो रीनल जो इंडिकेशन हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी, क्रॉनिक रीनल फेलियर। और इसके अलावा पोस्ट रीनल जो कॉज जो लीजन्स होते हैं ब्लैडर और प्रोस्टेट और यूरेथ्रा में, उनमें भी यूरिनरी प्रोटीन का एस्टिमेशन करवाया जाता है। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें इस टेस्ट के, तो इसमें जो प्रोटीन्स यूरिन में और सीएसएफ में होते हैं उनको बीक एसिड के द्वारा उनको डीनेचर्ड किया जाता है। तो उनको डीनेचर्ड करने के बाद जो उनका जो स्पेसिफिक इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो सोल्यूबल ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं वो इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इनसोल्यूबिलिटी है उसको हम एक टर्बिडिटी की फॉर्मेशन होती है, और उस टर्बिडिटी की फॉर्मेशन को हम टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टर्बिडोमेट्री का जो मेजरमेंट है वो 640 नैनोमीटर में या रेड फिल्टर में फोटोमीटर या कैलोरीमीटर के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ होंगे, 3 ग्राम पर डेसीलीटर सल्फोसिलिक एसिड का यूज़ होता है, और दूसरा जो है नॉर्मल सलाइन एक्चुअली 0.85 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम क्लोराइड का यूज़ इसमें करते हैं, और तीसरा जो होता है 6 ग्राम पर डेसीलीटर स्टॉक
प्रोटीन स्टैंडर्ड जो आता है उस स्टॉक प्रोटीन स्टैंडर्ड से हमको CSF स्टैंडर्ड और यूरिनरी स्टैंडर्ड अलग से बनाना होता है, तो इसके बारे में जानेंगे आगे। तो जो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CSF स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसको हमको 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का एक CSF का स्टैंडर्ड बनाना होता है, और इसको बनाने के लिए हम 0.1 ml ऑफ स्टॉक जो प्रोटीन का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको लेते हैं, और 9.9 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इसमें ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का CSF के लिए स्टैंडर्ड बन जाता है। दूसरी ओर यूरिनरी स्टैंडर्ड बनाने के लिए 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का जो स्टैंडर्ड है वो यूरिनरी प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए बनाया जाता है। उसके लिए बनाने के लिए 0.1 ml ऑफ स्टॉक प्रोटीन जो स्टैंडर्ड है उसमें 4.9 ml ऑफ सलाइन को मिलाया जाता है, और इस तरह से ये 120 मिलीग्राम का स्टैंडर्ड बन जाता है। और स्पेसिमेन जो बेसिकली यूज होते हैं वही अपना CSF है, और यूरिन का जो स्पेसिमेन है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन जो जिनमें प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रोसीजर के बारे में बात करें, तो यहाँ प्रोसीजर के लिए हमको 5 टेस्ट ट्यूब लेनी होगी, और 5 टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब में टेस्ट लगाया जाएगा, एक यूरिनरी प्रोटीन के लिए, दूसरा CSF प्रोटीन के लिए। और इनको हम सेपरेट भी लगा सकते हैं, या तो यूरिन का सेपरेट से कर सकते हैं और CSF का भी सेपरेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्बाइंड एक तरह से टेस्ट लगाया गया है। इसमें प्रोसीजर में देख सकते हैं आप कि 5 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, और 5 टेस्ट ट्यूब में 3 ग्राम जो सल्फ्यूसिलिक एसिड होता है उसको 444 ml जो है सभी टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। टेस्ट में टेस्ट यूरिन के टेस्ट में, CSF के टेस्ट में, और स्टैंडर्ड यूरिन का स्टैंडर्ड और CSF का स्टैंडर्ड और ब्लैंक सभी में लगभग लगभग सेम जो 4 ml का जो बेसिकली जो रिएजेंट है उसको लिया गया सल्फ्यूसिलिक एसिड के। फिर जो यूरिन के टेस्ट में यूरिन को ऐड किया जाता है 1 ml, CSF के टेस्ट में CSF को ऐड किया जाता है 1 ml, और जो यूरिन का स्टैंडर्ड है उसमें 1 ml यूरिन 120 मिलीग्राम को जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था यूरिन के लिए उसको ऐड करते हैं, और जो CSF का स्टैंडर्ड वाली जो ट्यूब होती है उसके 60 मिलीग्राम वाला जो स्टैंडर्ड CSF के लिए बनाया था उसका 1 ml इसमें ऐड किया जाता है, और ब्लैंक में 1 ml ब्लैंक में डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं। तो इस तरह से जो 5 ट्यूब हैं और इनको 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, और फिर ऑप्टिकल डेंसिटी 640 नैनोमीटर पे फोटोमीटर में हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। CSF प्रोटीन का अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट जो CSF में हमने टेस्ट लगाया था ट्यूब में, और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड CSF स्टैंडर्ड की, इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालेंगे और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमको CSF प्रोटीन का हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर यूरिनरी प्रोटीन का हमको एस्टिमेशन करना है तो ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट ऑफ यूरिन वाला जो हमने लगाया था, और दूसरा जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड यूरिन के स्टैंडर्ड वाले की ऑप्टिकल डेंसिटी लेना है, और इसको 120 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम यूरिनरी जो माइक्रो प्रोटीन है उनको निकाल सकते हैं। नॉर्मल जो CSF में प्रोटीन होता है वो 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जबकि दूसरी ओर यूरिन जो प्रोटीन होते हैं माइक्रो प्रोटीन होते हैं वो अप टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 24 आवर में हो सकते हैं। तो एक ये CSF और यूरिनरी माइक्रो प्रोटीन के एस्टिमेशन के बारे में एक ओवरव्यू था। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।